Hello everyone, assalamu alaikum. I am Dr. Shadab and we are here for anatomy lecture. So our only one topic is left from upper limb, which is brachial plexus, right? So let's begin it before wasting a lot of time. Okay, bismillah rahman rahim. Acha. अब ऐसा है कि पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज़ के ऊपर भी एमसीक्यूस आता है और ब्रेकियल प्लेक्सस की जो कॉर्ड्स हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी एमसीक्यूस आता है. तो मेरे नोट्स के अंदर अगर आपने इसको डाउनलोड कर लिए हैं, अब तक कर लिए होने चाहिए, पीडीएफ आपने कर लिया है डाउनलोड, तो पेज नंबर 12 है ये, ठीक है. और फिर उसके बाद ये देखें, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से मैंने यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स लिखे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के. तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है. फिर ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज़ करेंगे हम. तो अभी फ़िलहाल हम पहले ब्रेकियल प्लेक्सस को समझ लें, ठीक है, उसके बाद फिर हम ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज़ पे जाएंगे. ठीक हो गई बात. तो लेट्स बिगिन. ओके, अब ऐसा है कि मैं आपको यहाँ पे इस पे बना के दिखाऊंगी ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप दिस लेक्चर फॉर 1 आवर टुडे, ठीक है. तो मेरे पास अभी 8 o'clock हो रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू मैनेज इट टिल 9 o'clock. ठीक होगी बात. अच्छा, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो हमारे पास 5 इसकी रूट्स हैं, वहाँ से निकलता है, ठीक है. तो मैं गॉड, ठीक है, मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए. अपने पास पेपर पकड़िए, पेंसिल पकड़िए, ठीक है. टेक अ सेट ऑफ पेन्स. हम लोग सब जो मेडिकल पीपल हैं, हमारे पास कलर्ड पेन्स होते हैं ना, अपने पेन्स पकड़िए, बॉल पॉइंट्स पकड़िए, 2-3 कलर्स के, और मेरे साथ ये ड्रॉ करते जाइए. जब आपको ये याद हो जाएगा, इसको ड्रॉ करना आपको आ जाएगा और आपको इसकी पूरा बनाना आ जाएगा, तो ये जितने 3 सफ़ों के ऊपर जो जो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं वो सब आपको ऐसे चुटकियों में याद होंगे, ठीक है. आपके माइंड के अंदर इसकी ड्राइंग बैठनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए. अच्छा, ये जो मैंने बनाए हैं इनको कहते हैं रूट्स, ठीक है. मैं यहाँ पर लिखूँगी आर, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आर लिखूँगी, ठीक है. इनको हम कहते हैं रूट्स, ये रूट्स हैं, ठीक है. अब इन रूट्स को हम लेबल करेंगे. ये है C5, ठीक है. ये है C6, फिर उसके बाद ये है C7, ये है C8, और फिर ये क्या है, ये C9 है? नहीं, C9 नहीं होता हमारे पास, C9 नहीं होता. वी ओनली हैव 8, वी हैव 7 सर्वाइकल बोन्स, ठीक है, और हमारे पास 7 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, ठीक है. क्रेनियल नर्व, ये सी डज नॉट स्टैंड फॉर क्रेनियल, ठीक है. क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 होती हैं, ये सी से मुराद है सर्वाइकल, तो ये सर्वाइकल नर्व्स हैं, ठीक है. ये है टी वन. तो आपके पास C5, C6, C7, C8, T1, ये आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यूज़ हैं. यहाँ से आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस अराइज होता है, ठीक है.
इस तरीके से आपने बना लिया, अब हम आगे चलते हैं। मैं कलर चेंज करूंगी, आई विल गो विद ग्रीन नाउ। ठीक है, यहां से आगे दिस दिस इज ट्रंक, तो मैंने टी लिख दिया। हमारे पास तीन ट्रंक्स, तीन तरह के होते हैं, ठीक है, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। तो ये वाला जो है, ऊपर वाला जो है वो आपके पास डेफिनेटली, ऊपर वाला कौन सा हो गया, अपर ट्रंक, ठीक है, बीच वाला कौन सा हो गया, मिडिल ट्रंक, ठीक है, और सबसे नीचे वाला कौन सा हो गया, लोअर ट्रंक। ठीक हो गई बात, तो ये हो गए रूट्स, ये हो गए ट्रंक्स। अब हम रूट्स और ट्रंक्स से आगे चलेंगे तो हमारे पास उसके बाद क्या है, हमारे पास डिवीजन्स। ठीक है, ये हैं, मैंने डी बनाया ये, ठीक है, डिवीजन्स। अब मैं डिवीजन्स बनाऊंगी, बहुत गौर से यहाँ पर देखें और बहुत गौर से इस बात को समझें कि डिवीजन्स कैसे आपने कनेक्ट करनी है। ये स्टूडेंट्स डिवीजन्स में मिस्टेक करते हैं, ठीक है, हर ट्रंक की दो दो डिवीजन्स हैं, हर ट्रंक की दो डिवीजन्स हैं, अपर ट्रंक की दो डिवीजन्स हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, मिडिल ट्रंक की दो डिवीजन्स हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, लोअर ट्रंक की दो डिवीजन्स हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, तो उनको ऐसे ऐसे करके ड्रॉ नहीं करना, उनको ऐसे ड्रॉ करने। ये मैंने बनाई एंटीरियर, ड्रॉ विद मी, ये एंटीरियर डिवीजन है, ठीक है, ये वाली मैंने बनाई पोस्टीरियर, ठीक है, ये हो गई एंटीरियर, ये हो गई पोस्टीरियर। अब मिडिल ट्रंक ही बनाएंगे, ये वाली मिडिल ट्रंक ही है पोस्टीरियर, ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर। अब मैं एंटीरियर बनाऊंगी, ये वाली है एंटीरियर, या फिर एक काम करते हैं, वेट अ सेकेंड, हाँ मैं इसको इसको किसी और कलर से बनाती हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक काम करती हूँ, लेट मी टेक अनदर कलर, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक येलो, ठीक है, येलो लेती हूँ और पोस्टीरियर में येलो से बनाऊँगी, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, एंटीरियर में ब्लू से बना रही हूँ, पोस्टीरियर में येलो कलर से बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मिडिल ट्रंक की पोस्टीरियर, ठीक है, अब मैंने मिडिल ट्रंक की एंटीरियर बनानी है, या एक्चुअली पी से टकरा रही है, लेकिन खैर हो गई, आपको समझ तो आ रहा है ना कि ब्लू कलर वाली एंटीरियर है सारी और येलो कलर वाली पोस्टीरियर है। तो अपर ट्रंक की हमने एंटीरियर बनाई, अपर ट्रंक की पोस्टीरियर बनाई, मिडिल ट्रंक की एंटीरियर बनाई, मिडिल ट्रंक की पोस्टीरियर बनाई। अभी तक मैंने क्या किया कि अपर ट्रंक की पोस्टीरियर को मिडिल ट्रंक की पोस्टीरियर से जोड़ दिया, समझ आ रही बात, अपर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन को मिडिल ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन से मैंने ज्वाइन कर दिया, और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन को अपर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन से ज्वाइन कर दिया, एंटीरियर एंटीरियर मिल गए, पोस्टीरियर पोस्टीरियर मिल गए, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक आसान हो रहा है। अब आगे चलते हैं, लोअर ट्रंक की बनाते हैं, ठीक है, लोअर ट्रंक की भी मैं पहले पोस्टीरियर बनाऊंगी, ठीक है, तो ये मैंने पोस्टीरियर डिवीजन बना दी, ठीक है, और अब मैं बनाऊंगी एंटीरियर डिवीजन, तो
तो ये मैंने बना दी एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि अब आपके सामने पिक्चर सामने आ गई कि अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, तीनों ट्रंक्स की पोस्टीरियर डिवीजन को मैंने ज्वाइन कर दिया। तीनों ट्रंक्स की पोस्टीरियर डिवीजन को मैंने ज्वाइन कर दिया। अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन ज्वाइन है और लोअर ट्रंक की सिर्फ एंटीरियर डिवीजन अकेली है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई है बात, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गई बात। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ, ठीक है। आगे मैं ब्लैक कलर से इसको कंटिन्यू करूँगी और अब मैं क्या बनाऊंगी, अब मैं बनाऊंगी कॉर्ड्स सी, अब मैं बनाऊंगी कॉर्ड्स, कॉर्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है। इन कॉर्ड्स के भी नाम हैं, इन कॉर्ड्स के नाम हैं। तो अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक की तरह अपर कॉर्ड, मिडिल कॉर्ड, लोअर कॉर्ड नहीं है, नहीं है, इस तरह नाम नहीं है। इसके नाम किस तरह हैं? इसके नाम है पोस्टीरियर कॉर्ड। ये जो तीन पोस्टीरियर डिवीजन से मिलकर बनी है इसका नाम है पोस्टीरियर कॉर्ड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पी डॉट सी, पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। तीन पोस्टीरियर डिवीजन से मिलकर जो बनी है वो है पोस्टीरियर कॉर्ड। तो बीच वाली कौन सी है? पोस्टीरियर कॉर्ड। अब एक आपके पास लेटरल है, एक आपके पास मीडियल है। तो जो अपर ट्रंक वाली है वो है लेटरल, अपर ट्रंक वाली आपके पास लेटरल कॉर्ड है और लोअर ट्रंक वाली आपके पास मीडियल कॉर्ड है। ठीक हो गई बात, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब यहां तक पहले मैं समझाती हूँ कॉर्ड्स तक, ठीक है। हमने क्या किया, हमने C5, C6 दो हमारे पास रूट वैल्यूज हैं सर्वाइकल नर्व्स की। यहां से हमारे पास C5 और C6 सर्वाइकल नर्व निकली, ठीक है। अपर ट्रंक बनाया इन दोनों, दो नर्व्स ने, ये नर्व्स हैं, ठीक है, ये लाइनें नहीं हैं, ये नर्व्स हैं, ठीक है। दो नर्व्स ने मिलकर एक ट्रंक बनाया जिसको हमने अपर ट्रंक कहा। फिर अपर ट्रंक ने दो डिवीजन्स दिए या दो ब्रांचेस दी, एक का नाम एंटीरियर पड़ गया, एक का नाम पोस्टीरियर पड़ गया। जो आगे से जा रही है वो एंटीरियर है, जो पीछे से जा रही है वो पोस्टीरियर है, ठीक हो गई बात। तो अच्छा, फिर इसी तरीके से आपके पास C7, ठीक है, C7 आपके पास सर्वाइकल नर्व 7 हो गई। इस नर्व ने कोई जो है, मतलब ये किसी के साथ मिली नहीं है, ये अकेली है, ठीक है। इसने मिडल ट्रंक बनाया और फिर इसने भी आगे जाके दो डिवीजन दे दी, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। C8T1 ने, ये दो सर्वाइकल नर्व्स हैं, ये दोनों मिली, इन्होंने लोअर ट्रंक बनाया। दो नर्व्स ने मिलकर लोअर ट्रंक बनाया। मिडल ट्रंक सिर्फ एक ही नर्व बनाती है जिसको हम C7 कहते हैं। अपर और लोअर ट्रंक्स दो दो नर्व्स मिलकर बनाती हैं, ठीक हो गई बात। और हर ट्रंक ने दो दो डिवीजन्स दिए, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तमाम ट्रंक्स के, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, तमाम ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिवीजन ने मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड बना दी, ठीक है। अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन्स ने मिलकर लेटरल कॉर्ड बनाई और लेटरल ट्रंक के सिर्फ एंटीरियर डिवीजन ने मीडियल कॉर्ड बनाई। यहाँ तक कहानी क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास जो है वो है ब्रांचेस, ठीक है। इन ब्रांचेस को मैं दोबारा से, नहीं, पर्पल से बनाऊंगी, ठीक है। हमारे पास ये हैं ब्रांचेस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बी, ठीक है। अब ब्रांचेस को भी आपने बहुत गौर से देखना है और बहुत गौर से समझना है, ठीक है। यहाँ पर इन ब्रांचेस के अंदर मैं 5 डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगी, 5 डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगी, ठीक है। बल्कि 5 डिफरेंट कलर्स नहीं, दो, हाँ ठीक है। पर्पल से मैं पोस्टीरियर कॉर्ड से दो ब्रांचेस निकाल रही हूँ, आप बस देखते जाएं।
सॉरी एक सेकेंड। ऐसे बना ले अपने पास, ऐसे बना ले अपने पास। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, रेड ले रही हूँ। एक सेकंड मैं देख लूँ ना, मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक बना रही हूँ। ओके ठीक है, इस तरह बना ले, इस तरह बना ले। हाँ ठीक हो गया, इसको इस तरीके से कर लें आप। अपने पास कॉपी बना लें इसको ऐसे। अब मैं इसको लेबल करूँगी, ठीक है? पहले लेबल करूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी मैंने क्या किया। तो लेबल मैं ब्लैक से करती हूँ सारा, ठीक है, ताकि नज़र आए, कलर्स नज़र आए। एक काम करती हूँ, मैं लेबलिंग में मैं टाइप करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मस्कुलो कुटेनियस, यानी क्या स्पेलिंग है, जल्दी स्पेलिंग है, खैर ठीक है। ये वाली नर्व है मस्क्यूलो कुटेनियस नर्व, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी नर्व पे, ठीक है। ये वाली नर्व है एक्जिलरी, ये वाली नर्व है एक्जिलरी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी नर्व पे, ये वाली नर्व है हमारे पास रेडियल, फिर ये वाली नर्व है हमारे पास मीडियन। एक नज़र देख भी लूँ, मैं गलत तो नहीं कर रही। मार्मू मस्कुलोकुटेनियस एक्सिलरी मीडियन रेडियल अल्नर, जो जो लोअर मिडल से बनी है वो मीडियन है, ठीक है। तो आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पर आएगी मीडियन नर्व। आई एम सॉरी अगर आपके पास गंदगी हो रही है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी माफ़ी मुझे मिलनी चाहिए। बहुत पहले पढ़ा था और अब दोबारा कर रही हूँ, यहाँ तक तो मुझे याद ही है। ठीक हो गया, ओके जी। यहाँ पर आपने पूरा बना लिया ब्रेकियल प्लेक्सस। ये आपने सिर्फ 5 मेन ब्रांचेस बनाई हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ 5 मेन ब्रांचेस हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की। ब्रेकियल प्लेक्सस में टोटल टोटल 16 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। टोटल 16 ब्रांचेस होती हैं, और मेन ब्रांचेस जिनको हम कहते हैं, तो हमारे पास कितनी होती हैं, 5, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ब्रेकियल प्लेक्सस। अब आप, आई एम श्योर आप मेरे साथ हैं, अब
अब आप इसको समझें, यहाँ तक तो आपको कॉर्ड्स तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपके सामने तस्वीर, आपको सब समझ आ रहा है कि क्या हुआ है। अब आप ब्रांचेस समझिए कि ब्रांचेस किस तरह से बनी। जो लोअर कॉर्ड और मिडिल कॉर्ड है ना, इन दोनों कॉर्ड्स ने मिलकर एक ब्रांच बनाई जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। लोअर कॉर्ड और मिडिल कॉर्ड ने मिलकर एक ब्रांच बनाई जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड ने दो ब्रांचेस दी, पोस्टीरियर कॉर्ड ने दो ब्रांचेस दी, यानी कि एक्जिलरी और रेडियल नर्व कहाँ से अराइज होती है? पोस्टीरियर कॉर्ड से अराइज होती है, ठीक है। एक्जिलरी और रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड से अराइज होती है, मीडियन नर्व लेटरल और मीडियल कॉर्ड से अराइज होती है, लेकिन हम मेनली कहते हैं कि मीडियन लेटरल से अराइज हुई है और अल्नर मीडियल से अराइज हुई है, ठीक है। मेनली अगर मतलब मेन बात की जाए कि मीडियन किससे अराइज हुई है, अगर एमसीक्यूज आता है और आपके पास लेटरल और मीडियल दोनों लिखा हुआ है, तो आप लेटरल और मीडियल दोनों चूज करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर एंड मीडियल कॉर्ड ऐसे अगर ऑप्शन दे दिया है, तो फिर आप लेटरल चूज करेंगे। समझ रहे हैं? आपके पास एमसीक्यूज है कि मीडियन कॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कॉर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्ड्स। ऑप्शन है ए लेटरल कॉर्ड, बी पोस्टीरियर कॉर्ड, सी मीडियल कॉर्ड, डी पोस्टीरियर एंड मीडियल कॉर्ड, या उन्होंने कह दिया नन ऑफ द अबव। समझ गए बात को? या उन्होंने कह दिया अपर कॉर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तब आपका आंसर होगा लेटरल कॉर्ड। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि ऑप्शंस में देते हैं लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और लेटरल एंड मीडियल कॉर्ड, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? लेटरल एंड मीडियल कॉर्ड। समझ गए इस बात को? अगर मेनली बात की जाए तो लेटरल कॉर्ड, अदरवाइज दोनों से मिलकर बनी है। अल्नर नर्व तो बनी ही मीडियल से है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई और कंटिन्यूएशन नहीं है, ये मीडियल कॉर्ड ही यहाँ पर अल्नर कॉर्ड बना रही है, ये ऊपर नीचे कहीं से नहीं आई, बस आपने यू सीधी स्ट्रेट लकीर खींच दी, दिस इज मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड से अल्नर नर्व मिली है। सिमिलरली मस्क्यूलोकोटेनियस भी ऊपर से स्ट्रेट लकीर आई है, लेटरल कॉर्ड ने मस्क्यूलोकोटेनियस नर्व दी है, ठीक है, बनाई है। अच्छा, एक्सिलरी और रेडियल जो है वो पोस्टीरियर कॉर्ड से निकली। आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर कॉर्ड से दो आपके पास निकलते हैं, एक एक्सिलरी है, एक रेडियल है। तो ये आपके पास जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस आपके सामने आ गया पूरा। अब अगर आप इस पूरे ब्रेकियल प्लेक्सस पर थोड़ा सा गौर करें और कोई आपसे पूछे कि मुझे एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू बताओ, वो आपसे ना कॉर्ड पूछ रहा है, ना वो डिवीजन पूछ रहा है, ना वो ट्रंक पूछ रहा है, वो डायरेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। वो कहता है कि मुझे एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू बताइए क्या है, तो रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सी ये सी फलाना सी ढमकाना, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बनाना आ गया है और आप ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे 4-5 मरतबा, तो ये इतना प्रो हो जाएंगे आप इसमें कि इसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आप ऐसे पेन पकड़ेंगे, वहीं अपनी बुकलेट के कोने पर जल्दी 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 ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप खुद ही देख लेंगे, हाँ ठीक है, ये रूट वैल्यूज हैं इसकी। तो अब इसकी रूट वैल्यू आपको क्या समझ में आ रही है? इसको बैकवर्ड लेकर जाएं, यहाँ से पकड़ें और मेरे कर्जर को फॉलो करें, ये जो मेरा कर्जर है ना, इस कर्जर को फॉलो करें। या एक्सिलरी नर्व से हम पीछे जा रहे हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड पर आ गए, पोस्टीरियर कॉर्ड, ओ माय गॉड, तीन रास्ते हैं, पी पी पी, तीन रास्ते हैं, यानी कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगी तो मुझे C5 C6 मिलेगा, मैं इस रास्ते पर जाऊंगी तो मुझे C7 मिलेगा, मैं इस रास्ते पर जाऊंगी तो मुझे C8 T1 मिलेगा। तो एक्सिलरी नर्व C5 C6 C7 C8 T1 तीनों से मिलकर बनी हुई है। ये क्या ये तीनों से मिलकर बनी हुई है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बट अगेन देर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी, देर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी इन इट। कॉन्ट्रोवर्सी क्या है कि वो कहते हैं कि मैं आपको ये बुक में दिखाती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने अपने पास यहाँ पर मेंशन किए हैं इन नोट्स में, करने तो मुझे चाहिए, अगर मैंने किए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखें, इधर एक्सिलरी के आगे मैंने C5 से लेकर T1 लिखा है, ठीक है, लेकिन जो लीजन्स इसके शो होते हैं वो C5 और C6 पर होते हैं, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी है। आपने कॉन्ट्रोवर्सी याद रखनी है, इसका रटा लगा लें कि एक्सिलरी नर्व के जो लीजन्स हैं वो आपको C5 C6 में मिलेंगे, लेकिन अगर वो आपसे रूट पूछते हैं कि एक्सिलरी नर्व
कि रूट वैल्यूज़ क्या हैं, तो आपके पास रूट वैल्यूज़ क्या हैं C5 से लेकर T1। एक्सिलरी पढ़ लिया, अब हम रेडियल करते हैं। पहले हम ये पर्पल वाली कर लेते हैं ना, रेडियल को भी यहाँ से कर्जर को फॉलो करें, पीछे जा रहे हैं हम, पोस्टीरियर कॉर्ड पे चले गए, ओ अगेन 3 नर्व्स। तो अब ये पोस्टीरियर C5 C6, इस वाले पोस्टीरियर पर जाएंगे तो C7 पे पहुंच जाएंगे, इस वाले पोस्टीरियर से जाएंगे तो लेटरल ट्रंक, फिर C8 T1। यानी कि रेडियल नर्व भी C5 C6 C7 C8 T1 से मिलकर बना है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर मैं एक्सिलरी नर्व के सामने रेड से लिखूंगी ब्रैकेट C5 2 T1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। और इसको जरा साइज तो कम करें, बहुत ही ज़्यादा है, इसको 16 पर लेकर आते हैं। और ठीक हो गया ये बात एक्सिलरी की। सिमिलरली रेडियल यहाँ पे भी हम C5 2 T1 लिख के मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी। ठीक हो गई बात। अब मीडियन, मीडियन नर्व देखें, मीडियन नर्व को फॉलो करेंगे पाथ को। यहाँ से हम गए लोअर कॉर्ड की तरफ चले गए, अभी हम ये वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं, तो हम लेटरल कॉर्ड की तरफ चले गए, लेटरल कॉर्ड से इधर गए तो ओके, दो एंटीरियर से मिलकर बना है। इस वाले एंटीरियर को फॉलो करेंगे तो C5 C6 की तरफ आ जाएंगे, इस वाले एंटीरियर को फॉलो करेंगे तो C7 की तरफ आ जाएंगे। यानी अभी तक C5 C6 C7 हो गई। ये बात समझ आई? मीडियन कॉर्ड, मीडियन की ब्रांच, इसको फॉलो किया, लाइंस को फॉलो करें ना हम, यूं गए एंटीरियर, इस वाले एंटीरियर डिवीजन को फॉलो किया तो C5 C6 पर पहुंच गए, इस वाले एंटीरियर डिवीजन को फॉलो किया तो C7 पर पहुंच गए। अब वापस पीछे आ जाएं, अब यहाँ से नीचे वाले रेड को फॉलो करेंगे, तो यहाँ से यूं गए एंटीरियर डिवीजन, ठीक है, लोअर ट्रंक C8 T1। यानी कि मीडियन नर्व की रूट वैल्यू भी C5 C6 C7 C8 T1 है। क्लियर? इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट C5 2 T1 ब्रैकेट क्लोज। फिर एक्सिलरी, मीडियन, रेडियल, C5 से लेकर T1। अगर मैं नोट्स में वापस जाऊं तो यहां पर भी आपको रेडियल, मीडियन, एक्सिलरी, C5 से T1 आपको लिखी हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब आ जाएं वापस मस्कुलोकुटेनियस पे। मस्कुलोकुटेनियस का पाथ फॉलो करें, मेरे कर्जर को फॉलो करें, यूं करके गए हम, सीधा सीधा जाएंगे, कहीं पे नहीं मुड़ना। अब यहाँ पर आ गया प्रॉब्लम, अब यहाँ पर आ गए दो रास्ते। इस वाले रास्ते पे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे C5 C6 पे, इस वाले रास्ते पे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे C7 पे, और तो तीसरा कोई रास्ता नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मस्कुलोकुटेनियस की रूट वैल्यू क्या है, C5 C6 C7। क्लियर हो गया? यहाँ पर लिख लेंगे C5 2 C7, या मैं C5 6 7 ऐसे लिखती हूँ। ठीक हो गया, C5 6 7। अरे यार, ठीक हो गया C5 C6 C7। यार यूँ ही ठीक है, C5 C6 C7। अब आ जाएं अल्नर नर्व पे। अल्नर नर्व का रास्ता फॉलो करेंगे, यूं जाएंगे, सीधा 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 पीछे चले जाएंगे, तो सिंपल, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, कहीं नहीं जाना, यहाँ से यूं जाएंगे, सीधा सीधा पीछे चले जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे C8 T1। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो आपकी ये नर्व्स हैं और इनकी ये रूट वैल्यूज हैं, आपने इन नर्व्स के साथ ये रूट वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस। मस्कुलोकुटेनियस C5 C6 C7, एक्सिलरी C5 से T1, मीडियन C5 से T1, रेडियल C5 से T1, अल्नर C8 और T1।
ठीक है, सी एट और टी वन, और इन इनको मैंने कहीं से देख कर नहीं लिखा, मुझे ये रटी भी नहीं थी, ठीक है, मुझे बस ये ब्रेकियल प्लेक्सस बनाना आता है। मैंने आपके सामने बगैर देखे ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ किया और फिर मैंने आपको ये रूट वैल्यूज बता दी जो कि सही है, हमने मैच भी कर लिया, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं अगर आपको याद हो जाए। अब आपने फाइव मेन ब्रांचेस याद कर ली, अब बाकी की रह गई हैं, बाकी की जो ब्रांचेस हैं जो आपकी रूट से निकलती है, ट्रंक से निकलती हैं, डिवीजन से कोई ब्रांच नहीं निकलती, कॉर्ड से निकलती हैं, तो आपने बाकी की ब्रांचेस पढ़नी है। बाकी की ब्रांचेस पढ़ने से पहले आप इस बात को जहन नशीन कर लें कि डिवीजन से कोई ब्रांच नहीं निकलती, देर इज नो ब्रांच फ्रॉम डिवीजन, ठीक है। ये देखें मेरे पास मस्क्यूलोकुटेनियस के सामने C5 C6 C7 लिखा हुआ है, अल्नर के सामने C8 T1 लिखा हुआ है, ख़त्म बात, कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई है इसकी, ठीक है। ये भी नीचे छोड़ दें, ये सारी डिटेल्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब वापस से इस पेज के ऊपर आ जाएं, ठीक है। आप अगर चाहें तो रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, ब्रांचेस जो हैं, अगर आपसे ये फॉर्मेट याद नहीं होता RTDCB, या तो आप इसको जहन इसको इसको बस लेटर्स को याद कर लें, RTDCB करके इसको याद कर लें, या फिर आप ये निमोनिक याद कर लें, रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर, ये निमोनिक है, रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर, आर से रूट्स, टी से ट्रंक, डी से डिवीजन, सी से कॉर्ड्स और बी से ब्रांचेस। तो या तो ये निमोनिक याद कर लें, रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर, या फिर RTDCB करके याद कर लें, ठीक है। मुझे तो ऐसे ही याद हो गया था, निमोनिक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो आप देख लें, आपको जिस तरह आसान लगे, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि मीडियन नर्व अगर मेनली आपसे पूछा जाए तो आपने वैसे तो लेटरल और क्या कहते हैं मीडियल, दोनों कॉर्ड से मिलकर मीडियन नर्व बनती है, लेटरल कॉर्ड से भी और मीडियल कॉर्ड से भी, लेकिन आपने अपने पास मेनली अगर बात की जाए तो आपने लेटरल कॉर्ड याद रखनी है, और अल्नर के लिए आपने मीडियल कॉर्ड याद रखनी है। वैसे भी आसान है क्योंकि अगर मैं अल्नर बोन हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि अल्ना जो बोन है वो हमारी मीडियल साइड पर होती है, ठीक है, बॉडी की, या अल्नर आर्टरी जो है वो मीडियल साइड पर होती है, तो इस तरह अल्नर नर्व मीडियल साइड पर होती है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से भी याद करें तो आपको अल्नर के साथ मीडियल का लफ्ज़ याद हो जाएगा, तो फिर मीडियल के ऑपोजिट दूसरा लफ्ज़ लेटरल है, तो उसको आपने मीडियन के साथ जोड़ देना है, यानी मीडियन और यू भी कर सकते हैं कि मीडियन और मीडियल को मिलने नहीं देना, मीडियन और मीडियल को मिलने नहीं देना, तो फिर मीडियन को लेटरल के साथ मिला दें और अल्नर को मीडियल के साथ मिला दें, ये कुछ भी करके दिमाग में बस बिठाना है। और अगर हम रेडियल की बात करें तो रेडियल जो है वो पोस्टीरियर कॉर्ड से मिलती है, न सिर्फ रेडियल बल्कि एक्सिलरी भी, ठीक है। तो पिक्चर में देखें कि पोस्टीरियर कॉर्ड से हमारे पास एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व मिल रही है, तो ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रेडियल के सामने मैंने पोस्टीरियर कॉर्ड लिखा है और एक्सिलरी के सामने मैंने पोस्टीरियर कॉर्ड लिखा है। फिर मस्क्यूलोकुटेनियस की बात करूंगी तो मस्क्यूलोकुटेनियस हमारे पास लेटरल कॉर्ड से अराइज होती है, ठीक है। ये तस्वीर में देखेंगे हम तो मस्क्यूलोकुटेनियस जो है वो लेटरल कॉर्ड से अराइज हो रही है, ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास जो है वो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा जी, अब अगर मैंने आपको अभी बताया कि डिवीजन से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती, तो आप इस पॉइंट को याद कर लें और लिख लें अपने पास कि डिवीजन से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती। जब मैं आपको ब्रांचेस ड्रॉ करवाऊंगी उसके लिए मैं दोबारा से ये बनाऊंगी अपने पास, ठीक है, और फिर मैं आपको क्या कहते हैं इसकी ब्रांचेस ड्रॉ कराऊंगी, लाइक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करती हूँ मैं, ठीक है, ताकि ये अभी जो जगह इसमें नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा गिचपिच हो जाएगी, तो क्या कहते हैं फिर मैं ब्रांचेस जब ड्रॉ कराऊंगी तो उस टाइम ये याद रहना चाहिए कि डिवीजन से कोई ब्रांच नहीं निकलती, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, ब्रेकियल प्लेक्सस इज मेड अप ऑफ एंटीरियर रैमाए ऑफ C5 C6 C7 C8 T1। इस वर्ड एंटीरियर रैमाए को हाईलाइट कर लें और इसको याद कर लें, एंटीरियर रैमाए, एंटीरियर रैमाए, ये जो C5 C6 C7 C8 T1, ये जो आपके पास सर्वाइकल नर्व्स हैं और थोरेसिक नर्व है, इसके दो रैमाए होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो एंटीरियर रैमाए से निकलता है, ठीक है। मैं आपको गूगल के ऊपर दिखा भी देती हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, इंटीरियर रैमाए
ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। ये पिक्चर चेक करें, ये आपके पास तस्वीर है, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इस स्पाइनल कॉर्ड, सपोज कर लें कि ये वाली जो वर्टीब्रा है वो आपकी सर्वाइकल वर्टीब्रा है, तो अब इस सर्वाइकल वर्टीब्रा से आपके पास दो रेमाए निकले हैं, एक पोस्टीरियर रेमाए है, एक एंटीरियर रेमाए है, ठीक है। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये ग्रीन कलर की आपके पास नर्व्स आ रही हैं, ठीक है, और इसमें उन्होंने तक क्लियर नहीं बताया इंटीरियर पोस्टीरियर। ये भी अच्छा है, डोर्सल रैमस वेंट्रल रैमस। जो डोर्सल रैमस होता है ना वो आपके पास इंटीरियर होता है, और जो वेंट्रल होता है वो पोस्टीरियर होता है, ठीक है। एक और दिखा देती हूँ, कोई ये वाली पिक्चर अच्छी है, ये वाली पिक्चर अच्छी है, ठीक है। इस पिक्चर को समझ लें कि ये आपके पास इन्होंने एक सेक्शन लिया है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड का एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो हॉर्न्स हैं, ये नर्व्स निकल रही हैं, जो ब्लू वाली नर्व्स होती हैं वो सेंसरी होती हैं, जो रेड वाली होती हैं वो मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से इतनी सिंपल नहीं होती। फिर यहाँ पर ये गैंग्लियॉन है, ठीक है, इस सब को छोड़ देंगे, सब बाद में समझाएंगे जब आप वो पढ़ेंगे, न्यूरो पढ़ेंगे। अभी एंटीरियर रेमा ये है, पोस्टीरियर रेमा ये है, तो हर जो आपके पास रूट है, ठीक है, हर जो आपके पास रूट वैल्यू है वहाँ से दो रेमाइज निकलते हैं, एक पोस्टीरियर एक एंटीरियर। तो कहने वाली बात यह है कि ये जो आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये सारा ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो आपका एंटीरियर रेमाए है, ठीक है। ये सब एंटीरियर रेमाए, ये सब एंटीरियर रेमाए की रूट्स हैं, सब एंटीरियर रेमाए की रूट्स हैं। ये तो सही कर रहा है। ये कितनी अच्छी पिक्चर है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, ये बहुत अच्छी पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर इतना क्लियर बनाया हुआ उन्होंने, इसको बड़ा करके दिखाती हूँ कि ये इसमें पोस्टीरियर एमआई भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें ब्लू कलर से इन्होंने बनाए हैं, ये सब जो जो मिल रहे हैं, जैसे ये C4 है, इसको छोड़ देंगे, जो C5 है ये यूं मिला, C6 मिला, ठीक है, C7 स्ट्रेट आ गया, C8 और T1 मिला, ठीक है। अब ये जो पीछे पीछे की तरफ भी जा रही हैं, ये वाली C5 C6 C7, ये सब जो पीछे की तरफ भी जा रही हैं, ठीक है। तो ये वाले जो रेमाए हैं, ये वाले जो रेमाए हैं पीछे वाले, ये इनके पोस्टीरियर रेमाए हैं, जिस जो ये आगे कनेक्ट होकर लॉन्ग थोरेसिक नर्व बना रही है, ठीक हो गई बात। तो ये पिक्चर भी अच्छी है, और इसके अलावा मेरे ख्याल कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है इसका। खैर हो गई है, ठीक है। अब ये इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है। यहाँ पर भी इन्होंने देखे हैं, दो रेमाइज दिखाए, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो ये एंटीरियर रेमाइज से मिलकर सारी बनी है। अब आ जाते हैं, कहाँ चला गया, ओके नीचे वाले बॉक्स पे, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ये जो नोट्स के अंदर जितनी चीज़ें हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं, तो इन नोट्स को तो वैसे ही रट्टा लगा लें, याद कर लें, कुछ भी करें अगर समझ में नहीं आता वैसे तो, अदरवाइज आना ही चाहिए। ओके, ये सब जो है आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस की ये जो रूट्स हैं, ये जो एंटीरियर रेमाए हैं, ये सब कहाँ एंटर होते हैं, ये सब एंटर होते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक में, ठीक है। नेक नेक के हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं, पोस्टीरियर ट्राइंगल एंटीरियर ट्राइंगल, नेक में ट्राइंगल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब जो है वो नेक के पोस्टीरियर ट्राइंगल में एंटर होते हैं।
पोस्टीरियर ट्राइंगल ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला कौन सा मसल है? ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, ठीक है? स्टर्नो हम फील भी कर सकते हैं इसको अपने हाथ से, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल और पीछे ट्रेपीजियस मसल, ठीक है? इन दोनों मसल्स के बीच में जो ट्राइंगल प्रेजेंट है इसको हम इस वाले को हम पोस्टीरियर ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है? और आगे वाला जो है वो एंटीरियर ट्राइंगल है। अब हमारे पास ये जो है ये पोस्टीरियर ट्राइंगल में प्रेजेंट होती हैं, एंटर होती हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल में नेक के। अब कोई ऐसी पिक्चर होगी जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स नज़र आ रही होंगी, तो मैं आपको वो पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक्चर में आ रही है नज़र, ठीक है? ये नज़र आ रही, ये रही, ये वाली हैं नीचे से जो ये नज़र आ रही हैं, ठीक है? ब्रेकियल प्लेक्सस लिखा हुआ है, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, ठीक है? दो ट्रंक दिख रहे हैं इसके अंदर। ये आपके पास पोस्टीरियर ट्राइंगल है, आगे से स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जा रहा है और पीछे से ट्रेपीजियस मसल है, नीचे क्लेविकल बोन है और ये आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस है। तो इस ये पिक्चर बहुत अच्छी है, इसमें सेव कर लेती हूँ, ठीक हो गया? ये आपके पास पोस्टीरियर ट्राइंगल भी इसमें नज़र आ रहा है और इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि पोस्टीरियर ट्राइंगल से आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस एंटर हो रहा है और ये यहाँ से निकलेगा और फिर ये हाथ में जाएगा, ठीक है? शोल्डर और फिर हाथ हाथ में जाएगा, हैंड में, तो आर्म के अंदर, ठीक हो गई बात? तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक। फिर कॉर्ड्स कैन बी सीन इन द एक्सिला, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपके पास एमसीक्यू आता है कि एक बंदा है उसको एक्सिला पे स्टैब वूंड हो गया है, ठीक है? चाकू से किसी ने मारा है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस का कौन सा पार्ट डैमेज होगा? रूट होगी, ट्रंक होगी, डिवीजन होगी, कॉर्ड होगी या ब्रांचेस होंगी, कौन सा पार्ट डैमेज होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड से पहले वाले जो पार्ट्स हैं, कॉर्ड से पहले वाले जो पार्ट्स हैं यानी कि रूट, ट्रंक, डिवीजन, ठीक है? पिक्चर देखें, कॉर्ड से पहले वाले जो पार्ट्स हैं रूट, ट्रंक और डिवीजन, ये सारे पार्ट्स एक्जिला से पहले होते हैं। एक्जिला में कॉर्ड्स एंटर होती हैं, तो अगर एक्जिला में स्टैब वूंड होगा तो ये कॉर्ड्स डैमेज हो सकती हैं, ठीक हो गई बात? ये कॉर्ड्स डैमेज हो सकती हैं, तो ये पॉइंट याद रखना है कि कॉर्ड्स कैन बी एंटर इन द एक्जिला, ठीक है? इस पॉइंट को याद रखना है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ब्रांचेस, तो ब्रांचेस मैं नेक्स्ट उसमें करूँगी। इसको समझ लें, ये वाले एमसीक्यूज को समझ लें कि कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम C8 स्पाइनल नर्व पोस्टीरियर एंड मीडियल। अब ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है? C8 स्पाइनल नर्व पोस्टीरियर मीडियल, T1 पोस्टीरियर मीडियल, C5 C6 लेटरल पोस्टीरियर, C7 पोस्टीरियर लेटरल। व्हाट इज दिस? दीज आर अबाउट कॉर्ड्स। हमने कॉर्ड्स पढ़ी है ना, मीडियल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, तो ये वही है। कौन सी किस कॉर्ड से मिलकर बनी है, दोबारा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टे लगाएंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है? जब हम C5 की बात करते हैं तो C5 की जब हम बात करेंगे तो आप देखें कि C5 को कौन सी कॉर्ड ने कंट्रीब्यूट किया, एंटीरियर डिवीजन लेटरल कॉर्ड, ठीक है? एंटीरियर डिवीजन लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर कॉर्ड। तो C5 और C6 दोनों की बात करेंगे तो हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, लेटरल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है? अब जब आपने ये चेक करना है कि कौन सी रूट को कौन सी कॉर्ड कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आपने इस तरफ से अपने कर्सर को लेके जाना है, ठीक है? C5 ये चले, हम एंटीरियर कॉर्ड लेटरल कॉर्ड पे पहुंच गए, ठीक है? फिर C6 अपर ट्रंक, सॉरी C5 अपर ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन लेटरल कॉर्ड, C5 अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर कॉर्ड, C6 अपर ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन लेटरल कॉर्ड, C6 अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर कॉर्ड। यानी C5 और C6 दोनों को लेटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अब नोट्स में चलें और देखें कि यहाँ पर हमने C5 और C6 के आगे लेटरल और पोस्टीरियर लिखा हुआ है, ठीक हो गई बात? तो रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, कहाँ चली जाती है तो पिक्चर? अच्छा, C7 की बात करेंगे, C7 देखते हैं, C7 मिडिल ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन लेटरल कॉर्ड, वाओ।
C7 मिडिल ट्रंक पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर कॉर्ड, यानी कि C7 का भी लेटरल और पोस्टीरियर है, तो कहानी आसान हो गई। C5 C6 C7 तीनों का लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, चाहें तो अपने पास साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और ये चीज़ लिखते जाएं कि C5 C6 C7 लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, C5 C6 C7 लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक हो गया। अब हम C8 और T1 की बात करेंगे, तो C8 लोअर ट्रंक एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर कॉर्ड, C8 लोअर ट्रंक एंटीरियर डिवीजन मीडियल कॉर्ड, T1 लोअर ट्रंक एंटीरियर डिवीजन, सॉरी ये पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर कॉर्ड, T1 लोअर ट्रंक एंटीरियर डिवीजन मीडियल कॉर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि C8 और T1 पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड से कंट्रीब्यूट करता है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम C8 स्पाइनल नर्व पोस्टीरियर एंड मीडियल, अभी मैंने वही बताया, T1 भी पोस्टीरियर एंड मीडियल, तो कहानी आसान हो गई कि C5 C6 C7 तीनों लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड्स, C8 और T1 दोनों पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड, ठीक है। तो ये आपके MCQs हैं, इनको इनको ये लिखे हुए भी हैं, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं या चाहे तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक दफ़ा सुने, दो दफ़ा सुने, जितनी मरतबा वीडियो सुने, ठीक है, फ्री है। कौन से पैसे लग रहे हैं? अच्छा, पोस्टीरियर लेटरल मीडियल। तो अब क्या है कि C5 T1, ये अब हम कॉर्ड्स के हवाले से रूट वैल्यू देख रहे हैं, कॉर्ड्स के हवाले से रूट वैल्यू देख रहे हैं। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास रूट वैल्यू क्या है, C5 T1 है। कैसे? C5 से लेकर T1 पूरी शुरू से लेकर आखिर तक, हाउ कम, लेट सी इट। पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करते हैं, उल्टा जाएंगे ना, पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करेंगे, डिवीजन से चले जाएं, पोस्टीरियर डिवीजन C5 C6, इस वाले पोस्टीरियर डिवीजन पे चले जाएं, C7 पहुंच गए, इस वाले पोस्टीरियर डिवीजन पे C8 T1, वेरी 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 इजी। पोस्टीरियर कॉर्ड मतलब आपको बेसिकली बनाना आना चाहिए, अगर ये बनाना आता है तो सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे इससे रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया, अब लेटरल कॉर्ड को चेक करते हैं। लेटरल कॉर्ड एंटीरियर डिवीजन C5 C6, ये वाला एंटीरियर डिवीजन C7, यानी लेटरल कॉर्ड का हो गया C5 C6 C7, पोस्टीरियर कॉर्ड का हो गया C5 C6 C7 C8 T1, मीडियल कॉर्ड का क्या है, एंटीरियर डिवीजन C8 T1, बस पोस्टीरियर पे जाने की जरूरत नहीं है, C8 T1। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, मीडियल कॉर्ड C8 T1, लेटरल कॉर्ड C5 C6 C7, पोस्टीरियर कॉर्ड C5 C6 C7 C8 T1। ये कॉर्ड्स भी समझ में आ गए। हमने क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व रूट्स के हवाले से कॉर्ड देख लिए और फिर हमने कॉर्ड के हवाले से रूट वैल्यूज़ देख ली, दोनों चीज़ें हमने देख ली, हमने नर्व्स की रूट वैल्यूज़ देख ली, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट MCQs हैं, ठीक है, इनके ऊपर डबल ट्रिपल स्टार लगाएं, इसमें से एक आध MCQs वो रख ही देते हैं, इसमें डबल ट्रिपल स्टारिक्स लगाएं, ठीक है, इस डब्बे पर कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ टू ट्रंक्स, दो ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन लेटरल कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। वापस चलें पिक्चर को देखें, दो ट्रंक अपर ट्रंक मिडिल ट्रंक, दो ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन, ब्लू वाली लाइन है, दो ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन मिलकर लेटरल कॉर्ड बना रहे हैं, बात सही लिखी हुई है, दो ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन मिलकर लेटरल कॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब पोस्टीरियर डिवीजन ऑल ट्रंक्स, सारे ट्रंक्स मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहे हैं, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल ट्रंक्स पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहे हैं, पिक्चर देखते हैं, ठीक है। सारे ट्रंक्स की अपर ट्रंक मिडिल ट्रंक लोअर ट्रंक, सारे ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिवीजन येलो वाली लाइन है, पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन, सारे ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहे हैं, ये बात भी ठीक लिखी हुई है। अपर और मिडिल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन मिलकर लेटरल कॉर्ड बना रहे हैं, सारे ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहे हैं। अब रह गया मिडिल कॉर्ड, मिडिल कॉर्ड कौन बना रहा है, लेटरल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन मिडिल कॉर्ड बना रहा है, लेटरल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन मीडियल कॉर्ड बना रहा है। तो वापस से चलते हैं, एंटीरियर डिवीजन ऑफ वन ट्रंक मिडिल कॉर्ड, मैंने यहाँ पे कॉर्ड्स के नाम नहीं लिखे कि अपर लेटरल मिडिल क्या है, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं पूछते MCQ, वो पूछते हैं कि एंटीरियर डिवीजन
जो है वो आपका एक ट्रंक से मिलकर बना है, दो से बना है, तीन से बना है। तो आपको पता होना चाहिए एंटीरियर डिवीजन दो ट्रंक से मिलकर बनता है, मतलब एंटीरियर डिवीजन दो ट्रंक्स की लेटरल कॉर्ड बनाती है। तो वो आपसे एमसीक्यू पूछेंगे कि लेटरल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय एंटीरियर डिवीजन ऑफ टू ट्रंक्स, एंटीरियर डिवीजन ऑफ वन ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल ट्रंक्स, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ टू टू ट्रंक्स। व्हाट इज योर आंसर? तो आपका आंसर क्या होगा कि लेटरल कॉर्ड एंटीरियर डिवीजन ऑफ टू ट्रंक से मिलकर बना है। समझ गए बात को? पोस्टीरियर कॉर्ड के हवाले से एमसीक्यू आया कि पोस्टीरियर कॉर्ड इज मेड अप ऑफ व्हाट, यू नो। तो आपका जवाब क्या होगा? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल ट्रंक्स। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे एंटीरियर डिवीजन ऑफ टू ट्रंक्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ थ्री ट्रंक्स, ठीक है, ओनली पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल ट्रंक्स या एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑल ट्रंक्स। तो आपका आंसर क्या होगा? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल ट्रंक्स। तो आपको इस तरह से इन चीज़ों को याद करना है, सही है? तो मकसद क्या है कि जब आपको एक दफ़ा पूरा ब्रेकल प्लेक्सस आप बना लेंगे, उसको याद कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कैसे बनता है सब कुछ। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं ये सब उसी से रिलेटेड हैं। तो आप उसको बना लो, बनाना सीख जाओ, तो एग्ज़ाम में ये इतनी चीज़ों का रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोने में ब्रेकियल प्लेक्सेस बनाओ, जल्दी जल्दी चेक कर लो और आंसर पर टिक करो, ख़त्म बात, ठीक है? अच्छा जी, अब इसको छोड़ दें अभी, इस वाले डब्बे को छोड़ दें अभी, इस पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। इस स्किन सप्लाई और मसल्स को, स्किन सप्लाई मसल्स, अब हमारे पास इस ब्रेकियल प्लेक्सस में स्किन सप्लाई हमने देखनी है, मसल्स हमने देखने हैं। मसल्स के लिए आपको बाकी की ब्रांचेस का पता होना चाहिए, तो वो हम बाकी की ब्रांचेस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद हम इसकी सेंसरी सप्लाई देखेंगे, ठीक है? पहले हम इन चीज़ों को, इन इन तीनों पेजेस में जो जो चीज़ें हैं, पहले हम इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, इनको समझेंगे। तो हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद हम इनकी ब्रेक इंजरीज पे जाएंगे। तो इसकी इंजरीज के ऊपर भी मेरे पास जो है वो तीन थ्री थ्री फोर पेजेस हैं, ठीक है? तो फिर हमारे पास, हम इंजरीज पढ़ेंगे तो इंजरीज के ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं। तो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस हर एस्पेक्ट से कवर होगा, ठीक है? हर एस्पेक्ट से कवर हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करती हूँ, और ये जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई हैं, इन पिक्चर्स को भी मैं अपलोड कर दूंगी ब्लॉग पेज के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आपको खाली यूआरएल पता होना चाहिए होम पेज का, ठीक है? ये होम पेज का यूआरएल है, ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स मैंने फेसबुक के पेजेस पे इसको पेस्ट किया है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर भी इसको पेस्ट कर दूंगी। आपने सिंपल पीएमडीसी पे जाना है, और आपने अनाटमी के सेक्शन पे पहुंच जाना है। आप जैसे ही अनाटमी पे क्लिक करेंगे तो यू विल रीच ऑन अनाटमी लेक्चर नोट्स, ठीक है, पेज है, और आपके पास यहाँ पर अब तक का जितना अपलोड हो चुका है उसका आएगा। अभी मैं लेक्चर सिक्स मैंने रिकॉर्ड किया है, तो मैं इसको लेक्चर सिक्स को भी यहाँ पर अपडेट कर दूंगी, और आप देखें कि जो जो मटेरियल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ वो सारा अपडेट होता जा रहा है, ठीक है? पीडीएफ नोट, जो ये वाले जो पीडीएफ नोट्स हैं मेरे अपने ज़ाती, ठीक है, इसका लिंक यहाँ पर है, आप इसको क्लिक करें, इसको डाउनलोड करें। फिर मैंने एक एमसीक्यू सेशन रखा था जॉइंट्स और मसल्स के ऊपर, फेसबुक पे लाइव सेशन रखा था, तो वो मैंने पावर पॉइंट बनाई थी एमसीक्यूज़ की विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स। वो इसका लिंक यहाँ पर मेंशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आर्टीरियल सप्लाई लेक्चर फोर, मैंने लेक्चर फोर जो आर्टीरियल सप्लाई है वो मैंने पेज के ऊपर पूरी आर्टीरियल सप्लाई ड्रॉ की थी, तो उस पेज की पिक्चर मैंने अपलोड कर दी थी, तो वो भी यहाँ पर आपके पास इमेज मौजूद है, ठीक है? डाउनलोड पीडीएफ ऑफ इमेजेस ऑन अपर लिम्ब आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई पर मैंने गूगल से जो मल्टीपल इमेजेस यूज़ किए हैं समझाने में, ठीक है, वो सारी इमेजेस भी यहाँ पर, उसका पीडीएफ है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी दिस ऑल स्टफ़ इज़ अपलोडेड हेयर, जस्ट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसको ढूंढने में, एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। फिर लेक्चर फाइव जो है वीनस सप्लाई एक्सिला और लिम्फैटिक ड्रेनेज, ये मैंने एक पावर पॉइंट बनाई थी उसके ऊपर मैंने समझाया था, तो वो पावर पॉइंट भी मैंने अपलोड कर दी है। और अगर आप यहाँ तक मेरे लेक्चर को सुन चुके हैं, तो मैंने कल के लेक्चर में जो वीनस सप्लाई एक्सिला और लिम्फैटिक ड्रेनेज पर था, मैंने उस पावर पॉइंट में तीन एमसीक्यूज रखे हैं लिम्फैटिक ड्रेनेज पर, जिसमें से मैंने एमसीक्यू नंबर टू और थ्री के आंसर्स आपसे कल के लेक्चर में पूछे। कि अगर आप में से किसी ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं सुना है तो गो एंड चेक इट, मुझे उनके जवाब दें,
ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही हैं। अगर आंसर आप गलत देंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो मुझे बताइए कि उन एमसीक्यूज़ के आंसर्स क्या हैं, बिकॉज दिस एवरी थिंग विच आई एम डूइंग इज़ फॉर योर बेनिफिट, ओके? मैं तो दे चुकी हूँ एग्ज़ाम, सो नन ऑफ माई बेनिफिट इन इट। तो आप ये सब है, टिम्स के नोट्स हैं इसमें, यू असेंबली की बुक्स हैं, बायो केमिस्ट्री की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, तो उसका सारा स्टफ़ है, पैथोलॉजी के मुख्तलिफ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं इसमें कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, फिजियोलॉजी की हैं, BRS बुक्स पढ़ी हुई हैं, BRS पैथो, BRS फिजियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, PMDC के सारे पास पेपर्स हैं इंक्लूडिंग दिसंबर का पेपर, ठीक है, 1 दिसंबर का पेपर 2019। तो ये सब है, आपके मतलब का है ये पूरा, गो एंड चेक इट, ग्रैब इट इफ़ एनीथिंग यू डू नॉट लाइक, मुझे बताइएगा, ठीक है? और आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर कल कंटिन्यू करेंगे। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉट 1 आवर बट उससे थोड़ा कम है, कुछ फ्यू मिनट्स कम है, तो अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 1 आवर वीडियो लेक्चर, ठीक हो गया? सो अल्लाह हाफिज़, इन्जॉय।